नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब यूं समझ लो कि आपको अपडेटेड रहने का समय स्टार्ट हो चुका है। अब से आप अगर कोई भी अपडेट मिस करते हो तो मे भी ऐसा हो कि आपका एग्जाम से मिस हो जाओ, एडमिट कार्ड से मिस हो जाओ, या आंसर की मैच कराने से मिस हो जाओ, या रिजल्ट देखने से मिस हो जाओ, और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग से मिस हो जाओ, क्योंकि अब आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एडमिट कार्ड आ गया है, कैसे डाउनलोड करना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी समझाऊंगा कि आपको डे बाय डे हमेशा अपडेटेड रहना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चैनल का बेल आइकन आपको प्रेस करके रखना है। यहाँ पे मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम लॉस करूंगा, समझ लो मेरी बात। रीजन ये है कि जैसे अभी मेरे को एक इंक्वायरी आया था थोड़ी देर पहले कि सर जो एडमिट कार्ड है उसमें मेरा अभी दो पेपर शो कर रहा है, तो क्या अभी फ्यूचर में मेरा बाकी के जो पेपर नहीं दिखाई दे रहे? हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया था कि जिन बच्चों का डेट अनाउंस्ड होगा उस डेट के 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। चलो ठीक है, जिसका 21 तारीख को उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, जिसका 22 तारीख को उसका भी डाउनलोड हो रहा है, हो सकता है 23 तारीख को भी आपका एग्जाम हो तो वो अभी आपके एडमिट कार्ड पे शो नहीं कर रहा हो, तो वो अपडेट भी होता रहेगा। आपको अपने एडमिट कार्ड को हर डे के इवनिंग में लगभग चेक करना है जब तक आपका जितने कोर्स में जितने सब्जेक्ट्स के लिए पेपर डाले थे हो नहीं जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि आपने मान लो 6 पेपर डाला है, आपको जब तक पूरे 6 पेपर का एडमिट कार्ड पूरा शो नहीं कर रहा है तब तक आपको चेक करते रहना है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, नहीं तो कोई पेपर आपका मिस हो जाएगा। क्योंकि यहां पे इतने सारे बच्चे, इतने सारे यूनिवर्सिटीज और इतने सारे कोर्सेज, इन सभी को एनटीए के द्वारा बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और एक बार गलती हो जाएगी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से तो ना सुनवाई आपकी कहीं नहीं होगी, आप बस ट्विटर पे पोस्ट डाल के आप उनसे डेट मांगते रहो। फिर वैसे भी इस बार उनके तरफ से तो ये है कि हम व्यवस्था बहुत बढ़िया से कर दिए हैं तो गलती होने ही वाली नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपको अवेयर कर रहा हूं कि आप अभी अपना एडमिट कार्ड चेक करो। सपोज आज का एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, समझ लो कि नहीं, मतलब आज से एडमिट कार्ड मिल जाएगा, कौन सी डेट को, 21-22 समथिंग का, हो सकता है कि अब आप चेक कर लिए, आप एडमिट कार्ड देखे शो किया, आपको कोई एग्जाम का डेट दिया गया है, आप जाके एग्जाम दे देना, हो सकता है किसी का ना शो करे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 31 तारीख तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा इसी महीने के, तो आपको डे बाय डे जब तक आपका जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप चेक करते रहना। बाकी मैं इस वीडियो के बाद भी अभी आपको जो पूरी प्लानिंग होगी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं बस आपका एक जो पैनिक सिचुएशन है ना उसको मैं कम करने आया था, क्योंकि मेरे को अभी एक बच्चों का कॉल आया, बहुत पैनिक थे, सर बताइए मैंने 3 सब्जेक्ट डाला, मेरा 2 ही शो कर रहा है, 1 ही शो कर रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि वो आगे आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर पे आज बुला लिया और आपको एक रूम दे दिया, एक कंप्यूटर दे दिया और बोला जा बेटा पूरा पेपर एग्जाम दे, ऐसा नहीं होता है। वो लोग आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डे बाय डे बुलाएंगे, और जरूरी नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड जब रिलीज हो तो उस पे पूरे सब्जेक्ट एक साथ मेंशन हो, वो अपडेट होते रहते हैं। इसीलिए डे बाय डे इवनिंग में आपको अपना एडमिट कार्ड चेक करना है कि क्या डेट बढ़ा, क्या कोर्स बढ़ा, क्या ऑफ सेंटर बढ़ा, फिर आपको जाके वहां पेपर देना है। मैं आपको लास्ट में एक अपने तरफ से सुझाव है, आपके साथ अगर कोई इरेगुलरिटी सेंटर पे होती है आप वीडियो बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर डालिएगा, जिससे कि हम बता सकें, लोगों को बता सकें कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो लोग आपके एक्सपीरियंस से सीख सके और आपके साथ भी न्याय हो सके। क्योंकि आप जाके देख लो एनटीए, बस डालो सीयूटी, इतने ज्यादा इन लोग के पहले के गलतियां आएंगी कि आप पेपर बदल देते हैं, सेंटर बदल देंगे अचानक से, बहुत सारी इधर उधर चीजें हो जाती हैं। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव।